हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन नंबर वन, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट टू पर्सन्स ऑफ डिफरेंट जेंडर आउट ऑफ सिक्स वेमेन एंड फाइव मेन. देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सेम जेंडर पे, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट जेंडर पे. सेम जेंडर मैंने आपसे कहा था, जब भी सेम जेंडर होगा तो प्लस होगा हमेशा, ठीक है. ये केस है सेम जेंडर का, इधर और वाला केस है. अगर हमारा यही डिफरेंट जेंडर पूछता है उस केस में हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एंड एंड ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है. ये हो गया केस इधर और का, ये केस हो गया एंड का. सेम जेंडर में हम प्लस करेंगे, डिफरेंट जेंडर में हम मल्टीप्लाई करेंगे. इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट टू पर्सन ऑफ डिफरेंट जेंडर आउट ऑफ सिक्स वुमेन एंड फाइव मैन. अब ये देखिए, दो पर्सन को हमें सिलेक्ट करना है, तो उनमें से डिफरेंट जेंडर है, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा. जो दूसरा पर्सन है वो कौन होगा? फीमेल होगा. तो यहां क्या है, सिक्स वुमेन, कितना सिलेक्ट करेंगे? वन मल्टीप्लाई. फाइव मैन है तो सिलेक्ट कितना होगा? वन, क्योंकि दो पर्सन है, एक मेल होना चाहिए एक फीमेल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिफरेंट जेंडर होना चाहिए, ठीक है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे वन है, तो सीधा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सिक्स इंटू फाइव, एंड हमारा आंसर कितना हो जाएगा? थर्टी. तो ये देयर आर थर्टी वेज वेयर वी कैन सिलेक्ट टू पर्सन ऑफ डिफरेंट जेंडर आउट ऑफ सिक्स वुमेन एंड फाइव मैन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट टू मेन एंड थ्री वुमेन आउट ऑफ सिक्स मेन एंड फाइव वुमेन. अब यहां देखिए, ये एंड, ये जो ऑप्शन है ये है इधर और का, सेम जेंडर है, या तो सारे मेल या फिर फीमेल. डिफरेंट जेंडर में एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, डिफरेंट जेंडर होना चाहिए. अब यहां बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट टू मेन men out of six men and three women out of five women. ये केस भी अब डिफरेंट जेंडर का है, क्योंकि उन्होंने बोला है two men out of six men, three women out of five women, ठीक है. अब कैसे करेंगे? six men first को लेंगे, six men कितने हैं यहां पर, क्या आएगा? two, and three women out of five women, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा. एंड मतलब हमारा ये हो जाएगा, हमारा एंड, ठीक है. एंड मतलब मल्टीप्लाई. अब इसको कैसे लिखेंगे हम? सिक्स इंटू फाइव, टू इंटू वन मल्टीप्लाई फाइव इंटू फोर एंड टू इंटू वन. जो जहां डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देंगे. ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा टू, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू फाइव क्या हो जाएगा हमारा? 15. और 5 इंटू टू कितना हो जाएगा हमारा? 10. तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 150 वी विल गेट एज इन आंसर. तो हमारा आंसर हो जाएगा 150. सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट टू ऑफ कॉम्बिनेशन. पार्ट थर्ड में नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी. बाय द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.